वेब दुनिया ने पहले ही बता दिया था कि रोहित शेट्टी गोलमाल अगेन को दिवाली पर रिलीज कर रजनीकांत अक्षय की 2.0 से टक्कर लेने का सोच रहे हैं और वैसा ही हुआ। रोहित ने घोषणा कर दी कि उनकी अजय देवगन अभिनीत फिल्म गोलमाल अगेन इस वर्ष दिवाली पर ही रिलीज होगी। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इन दोनों फिल्मों के अलावा आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार भी दिवाली पर ही रिलीज होगी। रोहित ने इन कारणों से दिवाली पर आना तय किया। दिवाली के त्योहार पर दो बड़ी फिल्में आसानी से रिलीज हो सकती हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता जैसी दक्षिण भारत में है वैसी हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं है, लिहाजा हिंदी फिल्मों के शौकीन गोलमाल अगेन पहले देखना पसंद करेंगे। 2.0 में अक्षय कुमार खलनायक की भूमिका में हैं और इस कारण दर्शकों का रुझान इस फिल्म की ओर कम हो सकता है। सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर का रोल ज्यादा लंबा नहीं है, लिहाजा इस फिल्म से जोरदार टक्कर मिलने की संभावना कम रहेगी। इन सभी बातों पर गौर करने के बाद रोहित ने गोलमाल अगेन को दिवाली पर रिलीज करने का निर्णय लिया, जो कि सही लग रहा है।